बाकी सारे जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में इस तरीके की बलात्कार की घटना क्यों नहीं सामने आती है? वहाँ की सरकार स्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग थर थर कपकपाते हैं रेप करने के बारे में सोचने से पहले भी, और यहाँ खुलेआम जहाँ चार लोग का मन किया किसी भी लड़की को पकड़ लिए और उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दिए। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? की थी, लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा, फोन करके। अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? तो मैं समझ गई। हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? हाथरस यूपी का दिल दहला देने वाला वाकया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में हाथरस इज्तिमाई ज्यादती यानी कि गैंग रेप का निशाना बनने वाली दलित बच्ची मनीषा वाल्मीकि मंगल के दिन 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ते लड़ते दम तोड़ दी। मनीषा वाल्मीकि की मौत के बाद लोग भड़क उठे और सड़कों पर निकल आए। फिर लोगों ने इस मामले को जल्द अदालत में सुनाने का मुतालबा भी किया। अब हम जान लेते हैं कि आखिर मनीषा वाल्मीकि कौन है। जी हाँ, मनीषा दलित माशरे की यानी के दलित कास्ट की एक ऐसी लड़की है जिसके साथ जुल्म की सारे हदें पार हो गई। 14 सितंबर को इज्तिमाई इस्मत दरी यानी के गैंग रेप के बाद मुजिम ने उसकी जुबान काट दी और उसकी कमर भी तोड़ दी थी। सोमवार के दिन मनीषा वाल्मीकि को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया था और मनीषा का इलाज यहां जारी था। 15 दिन के बाद जब मामला लोगों के सामने आया तब रियासती हुकूमत और पुलिस जाग उठी। हथरास के पुलिस ऑफिसर विक्रंत वीर ने बयान के वक्त तशद्दुद का निशाना बनने वाली मनीषा वाल्मीकि की तस्दीक करते हुए कहा कि मुल्जिम ने पहले इसकी जुबान काट दी और उन्होंने ये भी बताया कि हमने इससे पहले भी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में इस बच्ची के वाकये की बुनियाद पर SC/ST मुजालिम की रोकथाम एक्ट, गैंग रेप और कत्ल की कोशिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मालूमात के मुताबिक गैंग रेप करने वाले चारों आरोपी मिडिल क्लास के बताए जा रहे हैं। इनमें से 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और हम आपको ये भी बता दें कि बच्ची के भाई ने आरोपी संदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। संदीप के अलावा उसके चचा रवि और उसके दोस्त लेवकश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चौथा आरोपी रामू अब तक फरार है। इस मामले को लेकर दलित तंजीमों ने आवाज उठाई और सियासी लीडरों ने भी इजहार बरहमी की है। BSP की लीडर मायावती ने ट्वीट किया कि इस दलित कास्ट की लड़की को पहले बुरी तरह पीटा गया तब उसके साथ गैंगरेप किया गया जो शर्मनाक और दर्दनाक है, बेटियां यहां महफूज नहीं हैं। इसी दरमियान ये सब बातें सामने आने पर सोशल मीडिया पर #justiceformanishkawalmiki और #RIPManishkawalmiki ट्रेंड कर रहा है। ये सारी बातों को लेकर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको दुआओं में याद।